3, 2, 1. ओके दोस्तों, वेलकम है यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल तक पहुंचने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हम आर्मेचर को वाइंड करके और बहुत ही स्पीड में चलने वाली मोटर को बना सकते हैं, डीसी मोटर को। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ मैं आप लोग को उसकी वर्किंग दिखा रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, अगर आप लोग को ये सीखना है तो मैं आप लोग को इसकी वाइंडिंग करना भी बता दूँगा। दोस्तों, आइए देखते हैं। अभी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक डीसी मोटर है। आप देख कर समझ सकते हैं, अंदर परमानेंट मैग्नेट और इस तरीके से बॉडी साइड में फील्ड पर लगी हुई है। और ये रहे हमारे बैरिंग, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से बॉटम में बुश इसके खो गए हैं दोस्तों, तो मुझे बुश बनाने पड़े, तो मैंने इस तरीके से बुश का अरेंजमेंट कर दिया। और ये आप देख सकते हैं मेन आर्मेचर जो हमारा है, मैंने इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके की वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग की हुई है दोस्तों। और इस वाइंडिंग को करना बहुत इजी होता है, यकीन मानिए। शुरू में आप लोग को लगेगा कि ये टिपिकल है, लेकिन टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आप सीख जाएंगे दोस्तों, आप जूसर, मिक्सर और ग्राइंडर और बड़ी से बड़ी कैसी भी मशीन है दोस्तों, किसी की भी, वॉशिंग मशीन की मोटर, किसी की भी, आप आर्मेचर को वाइंड कर पाएंगे दोस्तों और इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने इसमें इसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा रखने के लिए और बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करने के लिए, ये आप देख सकते हैं कितने थिक वायर को यूज़ करा है। और इसके जो आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं 12 सेगमेंट्स हैं दोस्तों, 12 यहाँ पर ग्रुप्स कटे हुए हैं, तो इसको वाइंड किया है दोस्तों मैंने खुद से, और आप लोग को भी सिखाऊंगा दोस्तों। कमेंट में आप बता दीजिए अगर आप लोग को सीखना है तो किस तरीके से वाइंडिंग करनी है। और आइए अब इसका हम रनिंग टेस्ट देखते हैं, कितनी स्पीड से दोस्तों मोटर चलती है दोस्तों, आइए देखते हैं इसको। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मैंने मोटर को यहाँ पर इस तरीके से रख दिया है और कनेक्ट किया है 14 लगभग से बता रहा हूँ आप लोग को 3.7 वोल्ट से लेके और 14.4 वोल्ट की प्योर डीसी सप्लाई से। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं 12012 के ट्रांसफार्मर से प्योर डीसी बनाई गई 2 डायोड कैपेसिटर की मदद से, तो काफ़ी अच्छे से प्योर डीसी यहाँ पर हमें मिल रही है, उससे मैं चला के दिखा रहा हूँ। और इसके जो दोस्तों एम्पियर है वो 10 से 12 एम्पियर जा रहे हैं। मैंने मल्टीमीटर पर जो है इस वाले सेक्शन पर चेक किया था दोस्तों, तो इस मीटर के लिए डीसी की वोल्ट जो एम्पियर है वो 10 नाप सकता है मेजर ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये 14 जा रहे थे लगभग 12 से 14, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मीटर के लिए सेफ नहीं था। तो मैं आप लोग को चला करके अब इसको दिखा रहा हूँ, तो देखिए आप ये देखिए, ठीक है दोस्तों, 3, 2, 1। आप दोस्तों देख सकते हैं इसके आरपीएम इतने ज़्यादा हैं, मेरे पास टैकोमीटर अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आप लोग को ज़रूर से इसकी जो है आरपीएम बता देता दोस्तों। लेकिन इतना मुझे पता है दोस्तों, जो 775 मोटर आरपीएम होता है दोस्तों, 775 मोटर का, उसके आरपीएम से तो ये आरपीएम ज़्यादा ही है दोस्तों, ठीक है। डेफिनेटली उसके आरपीएम, उसकी मुझे साउंड पता है, ये जो है वो साउंड उससे ज़्यादा है आरपीएम की, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा आरपीएम ये हमारी आर्मेचर बना रही है। ओके दोस्तों, तो अब मैंने टेप लगा दिया आप लोगों को दिखाने के लिए, तो बहुत अच्छे से आप शायद अब स्पीड को समझ सकते हैं, आप स्पीड को और इसकी साउंड को सुनिए प्लीज़, कितना फास्ट है ये। ठीक है दोस्तों, एक बार सही से आप लोग को इसकी साउंड सुनाने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि इसके जो है मैं पास में माइक को रख के आप लोग को ज़रूर से इसकी साउंड सुनाऊं दोस्तों। तो मैं इसके इस तरीके से मैंने ये साउंड के लिए माइक रख दिया दोस्तों, अभी हम देखते हैं इसकी साउंड को सुनते हैं।
तो दोस्तों आपने सुना कि इसकी कितनी ज़्यादा साउंड है दोस्तों, और साउंड के साथ साथ इसके आरपीएम भी बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। मैं अनुमान से तो अगर बताना चाहूँगा दोस्तों, 7000 आरपीएम के से ऊपर ही इसके आरपीएम जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, टैकोमीटर मेरे पास एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन दोस्तों ये आरपीएम 7000-8000 आरपीएम से ऊपर ही हैं। तो दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग को किस तरीके से करना है, लेकिन इस आर्मेचर वाइंडिंग की दोस्तों एक ड्रॉबैक है कि जो हमारी मोटर है वो दोस्तों हीट करेगी, क्योंकि दोस्तों 10-12-14 एम्पियर इस मोटर के आर्मेचर के लिए बहुत ज़्यादा करंट हो जाता है, तो मोटर हमारी डेफिनेटली हीट करती है दोस्तों। लेकिन आरपीएम बहुत अच्छे हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आरपीएम हैं, तो इस तरीके से लगातार मींस कंटिन्यूस यूज़ के लिए तो ये आर्मेचर नहीं काम करेगा अच्छा, लेकिन आप इससे कुछ ड्रिल वगैरह या कटिंग का कुछ थोड़ा बहुत काम ज़रूर से कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।